आपके सामने है। पैरा एसएफ के जवान लगातार दो शॉट्स फायर करते हुए आपको दिखाई देंगे इस वीडियो में, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस का मकसद ही मैक्सिमम डैमेज करने का था। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई देता है कि कैसे भारतीय सैनिक रॉकेट लॉन्चर से आतंकवादियों के कैंप पर हमला कर रहे हैं, और थोड़ी ही देर के बाद आग का एक बड़ा सा गोला दिखाई देता है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक का वो वीडियो है जिसका पूरे देश को इंतजार था। देश ने कभी इस पर शक नहीं जताया, लेकिन इस देश के कुछ पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने और विपक्ष के कुछ नेताओं ने हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक पर शक जाहिर किया, हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, और आज 636 दिन के बाद उनके लिए खास तौर पर सबूत पेश है। जी न्यूज पर आज आप वो सारे सबूत, वो सारी तस्वीरें, वो सारे वीडियो देख सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की गई थी। तो ये वीडियो पहली बार देश के सामने आया है। इस वीडियो का असल में पूरे देश को इंतजार था, और वो वीडियो आप सबसे पहले जी न्यूज पर आज देख पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों के को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, बहुत सारे लोगों के शक दूर हो गए होंगे। आपको याद होगा 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी में आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर हमला किया था जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक इसी हमले के बाद किया गया था, और सर्जिकल स्ट्राइक इसी हमले का बदला था। एक एक करके टारगेट वन आपने देखा, आपने टारगेट टू देखा, उसके बाद टारगेट थ्री देखा, और अब आप देख रहे हैं टारगेट फोर। और अब हम आपको सीधे अपने न्यूज रूम लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा आपको इस वीडियो के बारे में पूरा विश्लेषण देंगे। कृष्ण मोहन, ये वो वीडियो है जिसका पूरे देश को इंतजार है। पूरा देश एक बार के लिए जरूर देखना चाहता था कि हम भी देखें कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई थी। पूरा देश ये देखना चाहता था कि कैसे भारतीय सेना ने आतंकवादियों के कैंप्स को पाकिस्तान में घुसकर उड़ाया। आपका विश्लेषण क्या है सुधीर जी? ये जो चारों टारगेट हैं, इन टारगेट के अलावा भी कुछ टारगेट थे। ये चार टारगेट बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि सुबह 6:15 का ये वीडियो है, उससे पहले वीडियोग्राफी करना मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि 29 सितंबर में जो रात थी वो काली रात थी, चांद नया था, और उसके अलावा बादल छाए हुए थे, तो रात को बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी की उम्मीद नहीं थी। इंफ्रारेड कैमरे जो कि हेलमेट माउंटेड स्पेशल फोर्सेस के यूनिट्स के पास थे, उससे भी कुछ फुटेज है, लेकिन जो सबसे क्लियर फुटेज है वो जो यूएवी की मदद से लिया गया है, उनका फुटेज है। जो वेजिटेशन चारों तरफ नज़र आ रहा है वो देवदार के पेड़ों का है, जो कि एक निश्चित हाइट के बाद ही मिलते हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये कश्मीर के ही किसी हिस्से का है, और जाहिर है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो एक बहुत लंबे इलाके में हुई थी, करीब 150 से 200 किलोमीटर का इलाका था, और वहाँ पर अलग अलग जो टारगेट्स थे, जो 6 से 7 टारगेट थे, वहाँ पर स्ट्राइक हुई थी। 500 मीटर से लेके तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक एलओसी के पार थे वो सारे के सारे जो लॉन्च पैड्स थे। हमले में जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया गया था वो था कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर,
और उसके बाद जो हैवी मशीन गन्स और दूसरे जो असॉल्ट राइफल्स थी AK-47 वगैरह उनका इस्तेमाल हुआ था। हमले में करीब रात को 12:30 के करीब जो पार्टियां हैं वो डिस्पैच हुई थी, चलनी शुरू हुई थी, और दूसरे दिन 8-9 बजते सारी पार्टियां इन हो गई थी, सारी पार्टियां वापस आ गई थी। वही टाइम नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें जो पहले इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है उस इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो में कहीं कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल कोरेबरेट करती हैं सारी की सारी जो पहले इन्फॉर्मेशन थी और अब जो तस्वीरें हैं इसमें। जैसे कि अगर आप देखें तो इसमें चांद बिल्कुल जो देवदार के पेड़ हैं उसके पीछे से रोशनी नज़र आ रही है, उसके बाद ये फायर हो रहा है और इसके बाद ब्लास्ट हो रहा है, यानी आप ट्रेजेक्ट्री भी देख सकते हैं कि रॉकेट फायर हुआ और उसके बाद रॉकेट जा रहा है और रॉकेट स्ट्राइक कर रहा है। ये जैसे UAV का फुटेज है साफ नज़र आता है कि टारगेट हिट हुआ क्रॉस वायर के बगल में, काला सा धब्बा निकला, इसका अर्थ यह है कि ये टारगेट पर लगातार हिट हो रहा है। दूसरा काला धब्बा भी नज़र आया, ये फिर से उसी को देखिए, काला धब्बा नज़र आया, एक टारगेट छोटा सा दिख रहा है, लॉन्च पैड्स बहुत बड़े, ये देखिए बिल्कुल ये डायरेक्ट हिट है, ये देखिए ये एकदम डायरेक्ट हिट है, ये एकदम डायरेक्ट हिट है। लॉन्च पैड कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं होती, लॉन्च पैड एक छोटी सी जगह होती है, अमूमन जो कोई भी बॉर्डर आउटपोस्ट है उसके पास में छोटा सा वो एक संगर भी हो सकता है, पत्थर का की बनाए हुए एक अस्थायी इमारत भी हो सकती है, कोई टीन शेड भी हो सकता है, और वहाँ पर जो भी अटैक हो रहे हैं सारे के सारे जो टारगेट्स पर नज़र आती हैं, फ्लाइट्स नज़र आती हैं, ट्रेजेक्ट्री नज़र आती है कि इसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से या किसी छोटी मिसाइल से हमला किया गया है और उसके बाद टारगेट हिट होता हुआ नज़र आता है। बहुत ख़ास है ये वीडियो, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी हैं वीडियो, क्योंकि जो पहले भी हम लोगों के पास खबर थी उसमें ये था कि दो तरह से कम रिकॉर्डिंग हुई है, एक तो जो हेलमेट माउंटेड कैमरा है उसके ज़रिए रिकॉर्डिंग हुई है, जो स्पेशल फोर्सेस जब भी ऑपरेशन करने जाते हैं खासतौर पर इस किस्म के ऑपरेशन जिनको बाद में एनालाइज किया जाए या उनका बाद में कभी उनको दिखाने की स्थिति आए, तो हेलमेट में भी एक कैमरा माउंट होता है जो कि लगातार उस चीज़ को रिकॉर्ड करता रहता है, बहुत कुछ ऐसा ही होता है जैसा आजकल GoPro कैमरा होता है, उससे थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी होती है, रात को भी रिकॉर्ड हो सकता है। उसके अलावा UAV के ज़रिए भी इस पूरी चीज़ की रिकॉर्डिंग की गई थी। ये सारे के सारा जो वीडियो है बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है, अब किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं रह पाती। अब सवाल यह है कि इस पे रिएक्शन क्या होगा भारत में भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान में वोटिंग होने में आज से ठीक एक महीना बचा हुआ है, पाकिस्तान में नेता किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर सी बात है आउटराइटली उन्होंने डिनाई किया। हालांकि 29 सितंबर को जो सबसे पहली खबरें हम लोगों के पास आई थी वो पाकिस्तान के जरिए हम लोगों को समझ में आई थी, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार मीडिया में ये चल रहा था कि भारत ने बहुत बड़ी सीमा पर कार्रवाई की है और उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो पहला जो फीलर है वही हम लोगों को 29 सितंबर को वहाँ से मिला था, और बाद में 12 बजे के लगभग भारतीय सेना के जो DGMO थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ की जानकारी दी थी। लेकिन ये वीडियो है, इसके बाद किसी किस्म की शक जिनके दिमाग में भी रहा हो उसमें अब उनको ये एक बहुत तगड़ा जवाब है कि इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और ये है उसके वीडियो। बहुत आसानी से कोई भी जो देखता है वो कॉरोबरेट कर सकता है कि ये वीडियो उन्हीं इलाकों का है, और इस स्ट्राइक में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ जिनका दावा किया गया था लगभग वैसा ही इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। सुधीर जी, जी जी कृष्ण मोहन, और बिल्कुल अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये कोई शूटिंग नहीं है। हो सकता है बहुत सारे दर्शक ये उम्मीद कर रहे होंगे कि एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके की फुटेज या वीडियो वो देखने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन ये वीडियो किन परिस्थितियों में बनाया गया है, ये तस्वीरें किस परिस्थिति में ली गई हैं, आपके लिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और कृष्ण मोहन, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी ये बताइए, क्योंकि वो पहली नज़र में इस वीडियो को हो सकता है ना समझ पा रहे हों किन परिस्थितियों में ये वीडियो बनाए गए हैं। और ये भी देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भारतीय सेना इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है लेकिन उसके मन में ये भी रहता है कि इसका वीडियो भी बनाना है, यानी एक हाथ में बंदूक है और दूसरे हाथ में कैमरा है, क्योंकि अगले ही दिन से इस पर शक भी जताया जाना शुरू हो गया था। लोगों को शक था, लोग कहते थे सबूत दिखाइए, पाकिस्तान ने इसका खंडन किया था, पाकिस्तान ने उस वक्त कहा था कि इस तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, और पाकिस्तान के साथ ही हमारे देश के भी बहुत सारे विपक्षी नेता, हमारे अपने देश के बहुत सारे पत्रकार, मीडिया का एक सेक्शन, बहुत सारे बुद्धिजीवी पाकिस्तान के साथ मिल गए थे और वो भी ये कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं इसे लेकर उनके मन में शंका है, और आज वो सारी शंकाएं दूर हो गई हैं।